हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इट्स मी अंबर। आज मैं आपको जो वीडियो बता रही हूँ, जो ट्यूटोरियल्स बता रही हूँ, वो आपको लेयरिंग करना सिखा रही हूँ कि इजी वे में आप कैसे घर में बैठ के अपने बालों के लेयरिंग कर सकते हो। आजकल सैलून्स बिल्कुल बंद हैं, लड़कियाँ अपने घर में पैक हुई हुई हैं और वो चाहती हैं कि वो ग्रूम हो जाएँ, थोड़ी बहुत ग्रूम हो जाए और अपने आप को अच्छा सा ज़रा हेयर स्टाइलिंग कर लें, अपना अपना चेंज कर लें घर में रह के। तो वो हेयर कट ईजी कर सकती हैं। और आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने बालों को अच्छे से वेट करना है। वेट करने के बाद अपने बालों में से टेंगल फ्री करना है। टेंगल, इनके बाल बहुत थिन थे इसलिए इनके बालों में बार बार टेंगल्स हो चले जाते हैं। मैं सेंटर पार्टिंग कर रही थी तो इनके बालों में टेंगल्स आए जाते जाते इसीलिए आप टेंगल अच्छे से रिमूव कर लेना। ओके, अब मैं बताती हूँ आप सेंटर पार्टिंग किस तरह से करोगी। नोज़ के पास टेल कॉम आता है, आपने देखा होगा, जिसमें सिल्वर कलर की टेल लगी हुई होती है। मे बी आपको मैं दिखाऊंगी अभी। तो वो आपने उसको नोज़ पे रखते ही, नोज़ से चलाते फॉरहेड पे लाएंगे, फॉरहेड से लाते हुए अपने बालों में पूरा बीच से एंड गुद्दी तक जब आप लेके जाओगे तो वो आपकी एक मांग क्रिएट हो जाएगी। मांग क्रिएट हो जाएगी, उसको सेंटर पार्टिंग कहते हैं। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा और नीट कर लेना अगर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग जा रही हो तो। एक पार्टिंग तो हमारी ये हो गई, और सेकंड पार्टिंग जो लगानी है वो हमारी बीच से लेके कान की लौ तक हमें एक और पार्टिंग करनी है। इस तरीके से हमारी फोर पार्टिंग्स हो जाएंगी। ये देख लीजिए, एक मैंने आपने देखा है बीच की है मांग की, और एक कान की लौ की, यानी इन बीच में की है, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक की, वो भी सीधी स्ट्रेट की है। तो वो चार पार्टिंग हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट की पार्टिंग दो की हुई थी लेफ़्ट एंड राइट की, वहाँ से हम एक एक इंच समझे ले लेंगे, वहाँ से हम हेयर लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, वी शेप में। राइट से भी वी शेप में लेंगे और लेफ़्ट से भी, दोनों तरफ से हम वी शेप में लेके, यानी स्लांट में लेके। फिर हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट या जो भी हैं, आप अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको नोज़ तक रखनी है तो आप नोज़ तक रखोगी। ठीक है, अगर आपको लिप्स तक रखने हैं तो आप लिप्स तक रखना, और अगर चेन तक तो चेन तक रखना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी नोज़ नोज़ तक रहे, तो मैंने इनका क्या करा, स्लांट में ही कट किया है इनका फ्रंट का, समझे, राइट से भी हल्का स्लांट किया है और लेफ़्ट से भी। ये देखिए, आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि ये हल्का सा स्लांट में जा रहा है, राइट एंड लेफ्ट दोनों। इस तरह से हमने इनका कट कर लिया। ये क्या हो गया, हमें गाइडलाइन मिल गई कि हम किस तरह से आप कट कर सकते हो ईजी फ्रंट करने के बाद। फिर उसके बाद हमने इसका अच्छे तरीके से चेक करना है कि हमने बिल्कुल सही कट किया, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइन है। अगर हमारी गाइडलाइन सही नहीं होगी तो हमारे सारे बाल गलत कट जाएंगे। जब हमारा ये हेयर कट हो जाएगा तो हल्का से आपके पास अगर जिगजैग वाली हेयर कट वाली सीज़र हो तो आप उससे कट कर देना, वरना इसी से आप हल्का हल्का सा जिगजैग कर दोगे, उससे क्या होगा, बहुत अच्छे सा आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने पतली से एक इंच की फिर लेयर लिए, वहाँ लेफ्ट हमने लेफ़्ट से पतली सी एक लेयर लिए। लेयर लेने के बाद जो हमारी गाइडलाइन है, जो हमने हेयर कट किया है, यहाँ से यहाँ हमें एक हल्का सा स्लांट में कट देना है। देखिए, मैंने स्लांट में कहा कट किया है, स्लांट में कट देने के बाद मैंने इसको जिगजैग कट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा और बिल्कुल एक सीधे से बाल इस तरह से नहीं पड़े हुए होंगे आपके बालों में, बहुत अच्छा आप देखिएगा, ये कट आपको अच्छा लगेगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा इसमें। इसी तरह से हमने फिर एक इंच बाल लिए, लेने के बाद फिर हमने वही स्लांट में उसको कट किया। स्लांट में कट करने के बाद उसको जिगजैग। अच्छा, मैंने आपने देखा अभी, मैंने फर्स्ट जो था आपको पूरा एक स्लांट में कट करते हुए दिखाया, सेकंड जो है मैंने सीजर से थोड़े 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 बाल लेके उनको स्लांट में लेके काटा। आप जिस तरह से करना चाहो, अगर सीधा एकदम से काटना चाहो वैसे काट लो, या जिगजैग करके थोड़े 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 बाल काटना चाहो जैसे चल जाए आप इस तरह से काट लो। अगेन हमें फिर वही आपको गाइडलाइन लेनी है, गाइडलाइन लेने के बाद सेम वही प्रोसीजर करना है, इसी तरह से कट करना है। बहुत इजी है, आप अपने बालों को फ्रंट पे लाके और मिरर के सामने खड़े हो गए तो अपने इजी ये कट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको फिंगर होल्ड, हाँ यानी सीजर होल्ड करना आनी चाहिए, सीजर कॉम, ये नहीं फौरन ही आपने अपने बालों को लेके कट करना शुरू कर दो। पहले अपने अच्छे तरीके से सीज़र को होल्ड करना सीखो और अपने कॉम को होल्ड करना सीखो, फिर आप अपने बालों को एक दो दफ़ा डायरेक्शन में उस वे में लेके, इस तरह से कट नहीं करो लेकिन डायरेक्शन में लेके ऐसा अपने करो कि जैसे आप कट कर रहे हो।
दो तीन दफ़ा आप इस वे में अपना करोगे तो फिर इंशाल्लाह आपको हेयर कट आ जाएगा। और ऐसा ऐसा अपने बालों को कट करिए, एकदम से नहीं बालों को उड़ा दीजिएगा, पता चला बाल ही ख़राब कर दिए पूरे। अब आप देखिए अगेन मैं वही पार्टीशन करी चली जा रही हूँ, ये फ्रंट हमारा कट हो रहा है, इस पर जो हमारी गाइडलाइन है हम उसी को लेके चलते चले जा रहे हैं और कट करते चले जा रहे हैं अपने बालों का। बहुत इजी कट है, कोई मुश्किल कट नहीं है, इजीली आप लोग अपने बालों को कर सकते हो कट। क्या मैंने बैक से जो है वो बालों को निकालना है, पहले हम फ्रंट के ही पूरे बाल कवर कर लें, फिर उसके बाद हम बैक के बालों को निकालेंगे। फ्रंट मेरा पूरा हो गया है बालों का, देख लीजिए ये पूरी लेयरिंग हो गई है आपके फ्रंट की। और अब हम पहले फ्रंट के बालों को चेक कर लेंगे कि हमने जो फर्स्ट लेयर जो ली थी उसी के मुताबिक हमने पूरे बालों को कट किया है, क्योंकि अगर हम बैक के भी उसी के हिसाब से काटेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे बाल अगर ख़राब कट हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो वो हमें पता चल जाएगा, हम उसको उसी वक्त सही करके फिर आगे कट करना। देखिए हमारा थोड़ा सा इसमें ऊँचा नीचे आ रहा था, क्योंकि टैंगल्स होते हैं ना वो रिमूव होते हैं ना, तो इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से अपने बालों को चेक करना है कि फ्रंट के हमारे बाल बिल्कुल पार्टीशन बिल्कुल यानी लेयर टू लेयर हमारे बाल चल रहे हैं या नहीं कट हुए। अब हमारा वन साइड जो है वो कट हो गया, अब क्या करेंगे हम बैक के बालों को भी खोल देंगे, अपने बालों को बैक के वन साइड के बाल यहाँ से हमने कट किया उसका बैक साइड हम खोल लेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, खोलने के बाद फिर अपने बालों को पहले अच्छे तरीके से टैंगल फ्री कर लेंगे। टैंगल फ्री करने के बाद फिर हम कट करना शुरू करेंगे, पतली सी लेयर लेंगे, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लीजिएगा, मोटी लेयर काटना आपको मुश्किल हो जाएगा। पतली पतली लेयर लेके कट करोगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट कट होगा, टेढ़ा मेढ़ा कोई कट नहीं होगा, ख़राब कट नहीं होगा, परफेक्ट होगा। आपने वही अपने बालों को फ्रंट पे लाना है, लाने के बाद अच्छी तरीके से कॉम करना है, कॉम करने के बाद टैंगल जब आप फ्री कर लोगे, फ्री करने के बाद आपने अपना देखना है कि हमारी गाइडलाइन कहाँ पर, आपने गाइडलाइन देखी अपनी, जहाँ आपकी गाइडलाइन है वहाँ आपने अपने फिंगर को फिर दोबारा से स्ट्रक कर लेना है। स्ट्रक करने के बाद फिर आपने अपना स्लांट में कट कर देना है। ये देखिए मैं इस तरीके से अपने फिंगर को स्ट्रक कर लूँगी और अब मैं स्लांट में इसको कट कर दूँगी, वही गाइडलाइन से अटैच कर दूँगी। बहुत इजी कटिंग है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ये देखिए मैंने हेयर कट कर दिया है, फिर इसी तरह से लेके हम अपने सारे बालों को कट कर देंगे। अब हमारी लास्ट है, लास्ट बालों को भी बहुत अच्छे तरीके से कॉम करूँगी, कॉम करने के बाद फ्रंट पे लेके आऊँगी, फिर वही अगेन गाइडलाइन से अटैच करके और इसको कट कर देंगे। इन्होंने कहा था कि मेरी लेंथ नहीं जाए ज़्यादा, लेकिन यह है कि मेरे बालों में वॉल्यूम आ जाए। तो आप देखिए मैं कट करने के बाद अपनी सीज़र को जिगजैग में कट कर रही हूँ, इससे क्या होता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है आपके बालों में, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके बाल फील हो रहे होते हैं नीचे से, जैसे पतली पतली तेल लटके हुए होते हैं बाल, ऐसे नहीं होंगे, थिक थिक होंगे, थिन नहीं होंगे आपके बाल। अब मेरा कट बिल्कुल समझें कंप्लीट हो गया है लेफ़्ट का। ओके अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, चेक करने के बाद देख लेंगे हमें अगर कहीं से कोई गलत लगेगा कि कहीं से कोई बाल ऊंचा नीचा है तो हम उसको अपनी गाइडलाइन के साथ कट करेंगे। ओके अब लेफ़्ट हमने कर लिया, अब राइट साइड भी हमारा इसी तरह से कट होगा, वही आप देख लीजिए हमारी गाइडलाइन हमारे पास ही है, क्योंकि हमने पार्टीशन कर दिया था गाइडलाइन का, आधी हमने लेफ़्ट दे दी थी और आधी हमने राइट दे दी थी। तो अब हम क्या करेंगे उसी गाइडलाइन को लेके सेम प्रोसीजर यूज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे वहाँ हमने लिया करा था वैसे ही करेंगे। अपने बालों का फ्लेक्स उठा लो, थोड़े बालों को यहाँ ले आए, यहाँ ला के फिर हम इससे अटैच करेंगे। ओके अब हमने फिर क्या करना है, ये हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन से लेके फिर हमने स्लांट में इसको कट करना है। देखिए मैं स्लांट में चला रही हूँ, स्लांट कैसे कहते हैं, हल्का सा डीप में जाना, यानी स्लांट यानी वी शेप में ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ अपने बालों को, ना नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, उसको ज्वाइन कर रही हूँ अपने गाइडलाइन से। ओके अब फिर मैंने लेयर ली है, मैंने थोड़ी सी मोटी लेयर ले ली है, आप लोग थोड़ी बारीक बारीक की लेयर लीजिएगा, फिर कह रही हूँ आप बारीक बारीक लेयर लेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी रहेगी। मैंने मोटी मोटी कट लेके कट मैंने मोटी मोटी लेयर लेके कट कर दिया है, लेकिन आप पतली पतली लेयर लेके थोड़े थोड़े बाल लेके कट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और
बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगेन मैं फिर बालों को यही लूँगी फ्रंट में लेके, फिर इसको कोई गाइडलाइन से लेके कट कर दूँगी। देखिए मैंने पतले लेयर ले लिया है, उसको कट कर दिया, फिर इसको हल्का सा जिगजैग में कट करूँगी मैं बालों को। पहले इसको इस तरह अटैच करना है अपना बालों को कट से। देखिए मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। आप एक दो दफ़ा कट करोगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी कट आ जाएगा। ये हमारा बेसिक कट होता है, बेसिक कट आपको आ जाए क्योंकि फिर इसी तरह हम सारी कटिंग्स करना सीखते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझको बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट कट भी डालूं। और आपको नेक्स्ट कट क्या देखना है ये भी मुझे बता दीजिएगा, कौन सी कटिंग देखना चाहते हो, ईजी वे वाली मैं आपको सिखाऊँगी। राइट साइड का अब हमने फ्रंट कर दिया है पूरा, अब हम ब्लैक के बैक के बालों को खोल के भी वैसे कट करेंगे। अब ये देखिए मेरा कट बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये आप नीचे तक कट देख सकते हो किस वे में, अब ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, ये देखिए इस तरह से हमने बालों को अच्छी तरीके से कट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बालों को रीचेक भी करना पड़ता है ताकि पता चल जाए कि अगर हमने कोई छोटे बड़े बाल कट कर दिए हैं। रीचेक करने से ये होगा कि आपके आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ के बाल छोटे किए हैं और कहाँ के बाल बड़े हैं। ये रीचेक करने का एक दो मैं आपको बता देती हूँ, मैं फिर बालों को रीचेक करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये लेयर ली, फर्स्ट फिर सेकंड हमने जो पार्टीशन दिया उसको चेक किया, फिर थर्ड पार्टीशन दिया। अभी देखिए मेरा एक तरफ का थोड़ा सा छोटा और एक तरफ का बड़ा, जब आप रीचेक करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा और बड़ा है। फिर आप उसको रीचेक में ला के ही सीजर से कट कर दोगे, दोनों सेम चले जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। इस तरह से रीचेक करना इसे कहते हैं, आपने अपने बालों को रीचेक करना है। और पीछे का हमारा डीप वी जाता है कट, जो हम लेयरिंग करते हैं ना तो बैक के जो हमारा शेप आपको जो आ रहा होता है ना वी में आ रहा होता है, डीप वी में। आप देखिए मेरे क्लाइंट के बालों का डीप वी आ रहा है। ओके अब सेल्फ मेड ही मैं आपको ब्लो करना सिखा रही हूँ, प्रोफेशनल ब्लो नहीं बताऊँगी क्योंकि सेल्फ मेड आपको करना है ब्लो। तो ये इजी वे में आपको मार्केट में ब्लो ड्रायर मिल जाएगा जिसमें इसमें कॉम लगा हुआ होता है इस तरह। अब आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हल्का हल्का सा टर्न करते रहोगे आप, ये ड्रायर चलता रहेगा। और ये इजी मार्केट में मिल जाता है हर जगह, स्टोर्स पे भी बहुत इजी अवेलेबल हैं, आपको मार्ट पे भी मिल जाएंगे। बस इसको आप हल्का हल्का टर्न करके ब्लो ड्रायर की तरह करते रहोगे बालों को और आपके बालों में शेप आना शुरू हो जाएगा। ये लड़कियों को ब्लो ड्रायर करना आता है तो वो अपने बालों को ब्लो कर लेंगी तो और ज़्यादा लुक बहुत अच्छा आपके बालों में दिखाया जाएगा। लेकिन मैं तो अभी सेल्फ मेड दिखा रही हूँ तो इसी तरह मैं आपको बताऊँगी कि आपको थोड़े थोड़े बालों को पार्टीशन उठाना है, उठाने के बाद उसको हल्का हल्का सा टर्न करते चले जाना है इस तरह। और आपको अपने बालों को सेट करना है, थोड़े थोड़े बाल लेती रहेंगी, हल्का हल्का टर्न करके कॉम को चलाती रहेंगी तो आपके बालों सेट होते रहेंगे, ब्लो होते रहेंगे बहुत अच्छे से। पूरे बालों में ब्लो ड्रायर आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैंने पूरे बालों में वही जो आपको दिखाया था कॉम वाला ब्लो ड्रायर, मैंने इसी से ही किया है, वो दूसरों से ड्रायर से नहीं किया, आप कॉम वाले से ही आपके इनके बालों को पूरा ब्लो करा है और बहुत अच्छा सा लुक आया है। फ्रंट का जो मैंने इनर कर दिया है, फ्रंट के जो बाल हैं उसको इनर की तरफ ब्लो किया था, और जो सेकंड बाल, ये जो दूसरे बाल आए हुए हैं उनको मैंने क्या किया हुआ है,